हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रीतम है और ये आपके सामने आसूस का ये M2 Pro है जो मैंने कल फ्लिपकार्ट से ख़रीदा। कल रात में 8 बजे ख़रीदा और आज सुबह 10 बजे ये डिलीवर हो गया। तो मेरे सामने ये है, आप लोगों के सामने, तो इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ और इसका क्विक रिव्यू देता हूँ कैसा है। बहुत कुछ मैं एक्चुअली आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो एक्चुअली ये फ़ोन मैंने ये ऑफ़र में, HDFC का जो ऑफ़र था, तो ये टोटल 14,000 पड़ा और प्लस ये जो 99 रुपीज़ का कंप्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन था ये भी मैंने साथ में लिया। तो यार फ्लिपकार्ट का डिलीवरी तो काफ़ी क्विक था, एक दिन के अंदर आ गया। एक दिन क्या, 14 घंटे के अंदर आ गया यार, तो बहुत अच्छा है। और एक्चुअली ये जो मिड रेंज फ़ोन्स जो है ना, ये आजकल बहुत सारे अवेलेबल्स हैं। अभी आप रियलमी के फ़ोन्स देख लीजिए, रेडमी के फ़ोन्स देख लीजिए, पोको फ़ोन देख लीजिए, यार फोन इतने सारे हैं कि लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो यार मैं भी कंफ्यूज था, तो बहुत कुछ सोचने के बाद अपने रिक्वायरमेंट के और अपने यूसेज पैटर्न को देखते हुए मैंने फाइनली ये फ़ोन ख़रीदा। तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या पॉइंट्स मैंने सोचा और क्यों ये ख़रीदा, पोको फ़ोन क्यों नहीं ख़रीदा या फिर और भी फ़ोन क्यों नहीं ख़रीदा, इसके बारे में मैं वीडियो में बाद में बात करता हूँ। तो और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी आप लोगों की तरह ही एक नॉर्मल यूज़र ही हूँ जो अपने पैसे देकर ही ये ख़रीदा है, ये नॉर्मल डेली यूसेज के लिए ही ख़रीदा है। तो एक्चुअली कुछ भी मैं जब प्रोडक्ट ख़रीदता हूँ तो मैं ये पहले जानना चाहता हूँ कि काश यार मुझे कोई अपना रियल लाइफ रिव्यू दे देता उस प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट मैं ख़रीदने जा रहा हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है ये मोबाइल के लिए, कोई भी प्रोडक्ट ख़रीद रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई किसी ने यूज़ किया है उस प्रोडक्ट को, तो एक बार अगर रिव्यू अपना रियल लाइफ रिव्यू दे दे कि डेली डे टू डे यूसेज में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या है, तो काफ़ी अच्छा होता है। तो ये सोचकर ही मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि आप नॉर्मल इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो देखेंगे तो आपको यूट्यूब में तो बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स के मिलेंगे जिनके लाखों सब्सक्राइबर्स है। लेकिन मैं मतलब कि एज ए नॉर्मल यूज़र, कि एक नॉर्मल यूज़र का डे टू डे लाइफ में यूज़ करने में क्या होता है, क्या मतलब इशूज़ आते हैं, तो ये सब सोच के ही मैं सोचा कि चलो एक वीडियो बना देता हूँ। ताकि मैंने जो 14,000 लगाया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी जब लगाने जा रहे हैं 14,000, तो आपको ये पता चल सके कि ये वर्थ है कि नहीं है। आपका जो ये पैसा लगने वाला है, आप जो लगाने वाले हैं, तो ये क्या आप इसी में लगाएं या किसी और फ़ोन में लगाएं, ऑप्शंस तो आपके पास बहुत सारे हैं। तो चलिए ये सब बातें बाद में करते हैं, पहले देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। तो इसका ये जो मेन पैकेट है ये पहले ही फाड़ा हुआ है, अभी अंदर देखते हैं कि क्या क्या निकलता है और कुछ है क्या। ये तो नॉर्मल इनवॉइस ही लग रहा है। ये बॉक्स है, देख लीजिए। ये कुछ है, अनबॉक्स दिस आफ्टर यू हैव अनबॉक्स्ड योर फोन। ओके, लगता है यूजर मैनुअल वगैरह कुछ होगा, गूगल डू यू वो कुछ कुछ है। मेक इट विद दैट मच स्पेशल गूगल डू यू वीडियो कॉल, वो कुछ गूगल का ऐड दिया हुआ है, गूगल डू यू जो वीडियो ऐप है उसके बारे में कुछ कुछ दिया है। तो इसको बाद में देखते हैं यार ये क्या है, बाद में देखते हैं इसको। ओके तो आप देख सकते हैं ये हमारा बॉक्स है। ओके तो इसमें क्या क्या दिया है आपको डिटेल्स में दिखाता हूँ, ये है बॉक्स। ये देखिए इधर डिटेल्स आपको दिख जाएंगे, इंपोर्टेड बाय दिस आसुस स्मार्टफोन। ओके देखिए, और इधर देखिए ये तो आप लोगों ने देख लिया, इधर देखिए कुछ नंबर वगैरह हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अब इसको अनबॉक्स ही करता हूँ।
एक्चुअली किसी फोन की अनबॉक्सिंग तो आज तक मैंने बनाया भी नहीं है कभी, तो ये है फर्स्ट टाइम ही है फोन का अनबॉक्सिंग। देखते हैं यार कैसा है। देखिए अगर आपको ये वीडियो सही लग रहा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कुछ भी अगर आपके मन में कुछ डाउट हो तो इसको कमेंट में जरूर लिखें ताकि अगला वीडियो मैं जब बनाऊं तो आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं। ये देखिए बॉक्स कुछ अच्छा ऐसा आता है, बॉक्स कुछ ऐसा। यूजर मैनुअल होगा जो कि आप नॉर्मल अनबॉक्सिंग वीडियो में देख सकते हैं। और ये हमारा फोन है। ओके इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। ये देखिए ये पेन है और ये सब गाइड वगैरह है। ओके को हटाइए अलग रखिए। इसमें देखते हैं क्या है। ओके तो इसमें बस आप देख सकते हैं बस चार्जर ही दिया है और तो कुछ नहीं दिया है। कुछ फोकस हो रहा है क्या? देखिए कुछ फोकस इसमें मैं ही देख के बताता हूँ। ओके 5 वोल्ट 2 एम्पियर का चार्जर है ये। देखिए अगर आपको दिख जाए तो ऐसे मैं दिखाना चाहता हूँ। कुछ फोकसिंग इशू है लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए कैमरा क्वालिटी एक्चुअली बहुत अच्छा नहीं है। 5 वोल्ट 2 एम्पियर का चार्जर है और इसको मैं यहाँ रखता हूँ। ये छोड़िए देखता हूँ फोन कैसा है। तो ये देखिए ये है फोन। तो ये देखिए ये ब्लू वेरिएंट है। ओ वाओ वाओ ये देखिए। और देखिए ये बहुत सारा रिव्यू मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ यूट्यूब में। तो ये जो प्लास्टिक प्लास्टिक जो हल्ला कर रहे थे तो यार मैं ये बोलना चाहता हूँ कि काफ़ी अच्छा हाथ में फील हो रहा है। ऐसा नहीं है प्लास्टिक प्लास्टिक टाइप का लग रहा है। तो डेफिनेटली आप मतलब बिल्ड क्वालिटी तो आप देख सकते हैं भाई जबरदस्त है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे तो काफ़ी पसंद आ रहा है। ऐसा नहीं है पूरा प्लास्टिक प्लास्टिक जो हल्ला कर रहे थे, ऐसा भी नहीं कुछ फील हो रहा है। मतलब डेफिनेटली जो मेरा पुराना फ़ोन था वो मेटल बिल्ड था तो किनारे किनारे यार किनारे किनारे प्लास्टिक वाला फील आ रहा है, लेकिन ऐसा बैक में तो प्लास्टिक वाला कुछ ऐसा फील नहीं आ रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। ओके पता नहीं बैटरी है या नहीं है, देखना पड़ेगा। तो ठीक है कुछ दिनों में मैं इसका रिव्यू बनाऊंगा, इसका कैमरा का रिव्यू जी कैम के साथ विदाउट जी कैम, और ये नॉर्मल डे टू डे यूसेज में कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसका कैसा बैटरी बैकअप है, स्पीकर क्वालिटी कैसा है, स्क्रीन क्वालिटी कैसा है, तो सब कुछ मैं बनाऊंगा। तो अगर आपको कुछ भी पूछना हो इस फ़ोन के रिगार्डिंग जो आपको लग रहा है कि डाउट में है कि ये कैसा होगा, क्या इसमें है क्या नहीं है, कुछ भी डाउट है जो दूसरे यूट्यूबर्स आपको नहीं बता पा रहे हैं आपके कमेंट